मैं हूं नंदनी, आप देख रहे हैं द फुल जर्नी। दुनिया में करीब 37% लोगों का मानना है कि उन्हें रोज़मर्रा के भोजन में कम चीनी की जरूरत होती है। ऐसे में बड़ी कंपनियां इसके विकल्प खोजने में जुट गई हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि लोग चीनी के अधिक इस्तेमाल से बच रहे हैं। मार्केट रिसर्च फर्म यूनोमीटर ने एक सर्वे में कहा है कि लोग डायबिटीज, मोटापा और दिल की बीमारियों के प्रति जागरूक हो रहे हैं, लेकिन उनके पास चीनी का विकल्प नहीं है। रिपोर्ट में एक अन्य स्टडी के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका में खाद्य पदार्थ में 60% से अधिक वस्तुओं में चीनी होती है। अगर कोई पूरी तरह से चीनी छोड़ना चाहता है तो तब भी वह उसके लिए संभव नहीं है। इन सब के बावजूद लोग शहद, गुड़ के अलावा मेपल सिरप, खजूर, कोकोनट शुगर, स्टीविया एक्सट्रैक्ट और सिंथेटिक स्वीटनर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सब के साथ ही अब एलिलोज, इनक्रेडो और सम्प्लान पर भी कंपनियां जोर दे रही हैं। इनकी खासियत ये है कि ये शरीर में ग्लूकोज का स्तर नहीं बढ़ने देती। इसके साथ ही इसमें मिठास और कैलोरी चीनी के मुकाबले कम होती है, लेकिन अभी तक इसकी स्टडी पर कोई भी असर दिखा नहीं है। किताब हाउ नॉट टू के लेखक डॉक्टर माइकल ग्रेन ने कहा है कि अभी इनके असर पर अध्ययन नहीं हुआ। वहीं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर लेस्टिंग की सलाह दी है कि विकल्पों पर विचार करने से बेहतर है कि चीनी छोड़ ही देनी चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार उधर 3 नए विकल्प कंपनियों ने विचार कर रही हैं। एक है एलिलोज, गेहूं में पाया जाता है। इसमें चीनी के मुकाबले 1/3 मिठास और 10 गुना कम कैलोरी होती है। इसमें बैक्टीरिया भी नहीं होते, ऐसे में दांतों को कीड़े लगने का डर भी नहीं रहता। साथ ही अधिकतर एलिलोज पेशाब के जरिए शरीर से निकल जाता है, ऐसे में खून में ग्लूकोज नहीं बढ़ता। वही बात इनक्रेडो की करें तो इजराइल में एक कंपनी ने इसे चीनी के सूक्ष्म कणों का मिलाकर बनाया है। इसकी वजह से शरीर में चीनी के कण शरीर में टूटकर बिखर जाते हैं, जिसकी वजह से पहले ही तुलना में स्वाद मिलता है, साथ ही बहुत कम मात्रा में काम चलता है। वहीं सम्प्लांट की पौधों की बात करें तो वह प्राकृतिक मिठास है। इसमें मक्के के दाने, गेहूं और भूसी पीसकर बनाई जाती है। इसमें भी कैलोरी कम होती है और खून में ग्लूकोज धीरे धीरे बढ़ता है। ये चीनी की तुलना में जल्द टूट जाता है और घुल जाता है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।